एबीपीएस न्यूज़। जिला संभल के रहने वाले एक माता पिता का बेटा अचानक गायब हो गया, जिसके बाद उन्होंने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर जिलाधिकारी से गुहार लगाई है कि तत्काल उनके बेटे की बरामदगी कराई जाए। उन्होंने कहा कि पुलिस द्वारा इस संबंध में कोई भी कड़ा फैसला नहीं लिया गया है और उनका बेटा आज तक लापता है। उन्होंने कहा कि उनका बेटा सही सलामत घर पहुंच जाए, यही उनके लिए काफ़ी होगा। आपका कौन से गांव की रहने वाली हैं आप? क्या बात हुई आपके साथ? बेटा को ये तो बोलिए, कब हो गया? 2 साल है। कितने साल का बेटा है आपका? 16 साल को, 18 साल को, 15 साल को पहले। तो अभी तक मतलब कोई सुनवाई ना हुई? कोई नहीं। आप यहाँ जिलाधिकारी महोदय के पास बैठे हुए हैं आप ब्लॉक में, तो आपने किन्हें दिया प्रार्थना पत्र? डीएम साहब को दिया। कोई सुनवाई हुई? कोई नहीं भाई, सुनवाई चली रही है। 2 साल आगे सुनवाई कर रही है, जब जानो कि मेरे बेटा जिंदा है या मुर्दा है, बस इतना बरामद किया जाए। तो 2 साल से लेकर कोई भी सुनवाई नहीं हुई है? कोई नहीं भैया, प्लस कोई सुनवाई नहीं कर रही। आप खड़े में 2 साल है, 2 मजदूर इसमें जेल चले गए सब। पुलिस अभी तक कोई सूचना नहीं निकाल पाई? नहीं। कहाँ का बगिया ये? कौन सा गांव? कौन सा थाना? आपका गांव? जैसे भी हो, जिंदा या मुर्दा बेटा मिल जाता, हाँ निस्तारण हो जाता। कोई पुलिस वगैरह भी गई आपके पास? नहीं गई। पुलिस आती है जाती है। अच्छा, क्या नाम है आपका बेटे का? क्या नाम है आपके बेटे? मेरा नाम राम, बच्चे का शिवाजी। हाँ, अच्छा, तुम्हारा? मेरा नाम राम किशोर है। आप पिता हैं? पिताजी। बच्चा क्या बजे गायब हुआ? बच्चा सुबह 7:30 बजे। आपने कहाँ कहाँ देखा? वही गमा के आस पास और पास हरिबाबा बांध पे सब देख के आया, तो लोकेशन मिल गया। एक लड़का ने बताई कि एक तुम्हारा लड़का आता है उसके साथ देखा मैंने। अच्छा अच्छा, तब उसमें सब पूछताछ हुई, मैंने वो तलाश करो तो वो दिल्ली पहुँच गया। कितना समय हो गया गायब हुए? 2 साल है कि साहब, 2 साल बीत गए। अभी तक कोई सुनवाई आप तक आई? बच्चा बरामद नहीं किया पुलिस ने। फिर 1 महीना कह रहे दरोगा जी तुम्हें जाओ, हमारा मौका नहीं है, हम तो यहाँ भी बनना है। और कई दिन हो गए आपको अंथन में बैठे हुए? आज ही बैठे। कई दिन चलेगा ये? अनिश्चितकालीन रहेगा। पहले भी आप 2-3 दिन बैठ चुके हैं? हाँ, 3 दिन बैठे। कोई समस्या का समाधान ना हुआ? कोई समस्या, हम पिटे हो रहे सर। किन्होंने पीटा? जसराम और सत्री ने घेर के नहीं, हमें मेरी बाइक छीन ली थी और मुझे पीटा। मैंने जाके चौकी इंचार्ज को बताई, उन्होंने जाके जाँच की, जाँच करने के बाद उन्होंने दबिश दी उनके यहाँ, तो उनसे साठगांठ कर दी। कोई कार्रवाई नहीं करी उनके खिलाफ, केस में कोई वो नहीं होती है, मुकदमा लूट का दर्ज किया।